रहमान रहीम, अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ आज का मेरा पहला व्लॉग है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी मेन मेट्रो स्टेशन पे और आज मैं आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सैर करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की खूबसूरती नहीं देखी तो मैं आज आपको खूबसूरती दिखाऊंगा बिल्कुल फ्री। आप इस वक्त मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, सदर मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं और मैं इस वक्त खड़ा हूँ बैंक रोड पे, रावलपिंडी बैंक रोड पे। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी हालात ख़राब हुए हैं लेकिन उसके बावजूद शॉप वगैरह खुली हुई हैं तो ये काम स्टार्ट है। अभी देखें शॉप वगैरह खुली हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं आपको बताते चले, तो चलते हैं नाज़रीन आगे आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आज मैं आपको एक बात शेयर करता चलूँ, आपकी लाइफ एक इंसान चेंज कर सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं वो आपको आज बताऊंगा। वीडियो को आज लास्ट तक ज़रूर देखें और मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा। तो नाज़रीन हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शुएब अली, हम इनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस के क्या असरात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मौजूदा हालात की वजह से हर बंदे को एक फासला रखना चाहिए। अगर शॉपिंग के लिए घर से निकल रहे हैं, जिसने शॉपिंग करनी है वही घर से निकले, दूसरे बंदे को साथ आने की ज़रूरत नहीं है। और सैनिटाइज़र हर शॉप में होना चाहिए, सेफ्टी आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ग्लव्स होने चाहिए और मास्क पहन कर निकलें। और जो भी मामलात हैं इनको हम खुद केयर करेंगे तो दूसरे भी केयर करेंगे। हम अगर ख्याल नहीं करेंगे तो कोई भी ख्याल नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। यूज़ करें, अगर कहीं भी आप खरीदो फरोख्त के लिए जाते हैं तो इस मैसेज को ज़रूर एहतियात से पेश आएँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब हम सदर स्टेशन से इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। देख सकते हैं इस वक्त हमारी बाइक को थोड़ा सा मसला बन गया, इसको अब हम ठीक करने लगे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं तकीर अहमद, ये इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। नाज़रीन चलते चलते रास्ते में एक ग्लासेस वाला मिला, क्यों ना एक न्यू ऐनक ली जाए, न्यू ग्लासेस ली जाए, देखते हैं। कैसा लग रहा है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताएं, मेरे तो ख्याल में ये मुझे अच्छी लगती है और मैं ये अभी परचेज़ करने लगा हूँ। ये जगह वो है जहाँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुए, ये इस जगह का नाम है लियाकत बाग। Thank you.
नाज़रीन, अब हम रहमानाबाद मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं और मेरे साथ मौजूद हैं तकीर अहमद। इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है और हम इनसे पूछते हैं इस जगह के बारे में। तकीर भाई, इस जगह के बारे में हमारे नाज़रीन को आप बताएं। इस वक्त हम रहमानाबाद खड़े हैं, जो पिंडी में मौजूद है। ये मेट्रो स्टेशन है, इसके हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा पीछे ये कि बेंजीर भुट्टो हॉस्पिटल भी है। ये सुपीरियर कॉलेज है, इसका भी बहुत अच्छा एक नाम है पिंडी में, इसका एक नाम है जिस तरह पंजाब कॉलेज का नाम है, सुपीरियर कॉलेज का भी नाम चलता है। हमारे बिल्कुल एंड मेट्रो के बिल्कुल पीछे इस तरफ यहाँ एयरपोर्ट का रनवे है, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसका बिल्कुल एंड वक्त रनवे है। वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे सामने ये मेट्रो है, तो जो हमारा टास्क है हम वो कम्प्लीट करते हैं। चलें बढ़ते हैं आगे इस्लामाबाद की तरफ। आप देख सकते हैं इस वक्त ये रोड कमर्शियल मार्केट का है, ये रास्ता कमर्शियल मार्केट की तरफ जाता है। नाज़रीन, अब हम इस वक्त इलामा इकबाल पार्क के पास खड़े हुए हैं। अभी हम तकीर भाई से पूछते हैं कि अभी हमने मज़ीद आगे कहाँ जाना है। जी तकीर भाई, कहाँ जाना है? अभी हम पिंडी के इलामा इकबाल पार्क में खड़े हैं, जो पहले नवाशरी पार्क के नाम से मशहूर थी, हमारे बिल्कुल पीछे। वो अभी दिखाते हैं हम आप सारे सबको। तो हमारा जो टास्क है इस्लामाबाद की तरफ जाना है। आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा पीछे, मरी की तरफ जाता है इस्लामाबाद, फैज़ाबाद, रावलपिंडी, IGP रोड है ये, मरी रोड है मशहूर रोड है ये, पिंडी इस्लामाबाद ये दोनों को आपस में मिलाता है। हमारा टास्क है जो इस्लामाबाद की तरफ जाना है। फैज़ाबाद आएगा इससे आगे, फैज़ाबाद क्रॉस करेंगे तो इस्लामाबाद शुरू हो जाएगा। चले नाज़रीन आगे बढ़ते। नाज़रीन, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैज़ाबाद, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप फैज़ाबाद के नज़ारे, ग्रीनरी हर तरफ, खूबसूरती ही खूबसूरती। तो अभी मुझे आप जितने भी देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ वो मैंने गिफ्ट ले लिया है। अभी आपको वो मैं गिफ्ट देता हूँ, कबूल कीजिएगा। जी तो रेडी हैं आप? ये लैब मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं इस वक्त जिस पुल पे मौजूद हूँ, इस पुल की ख़ास वजह ये है कि ये दोनों शहरों को आपस में मिलाता है। एक तरफ रावलपिंडी आप देख सकते हैं, ये रावलपिंडी, और नाज़रीन आप मेरे इस वक्त लेफ़्ट साइड पे ग्रीन सिटी इस्लामाबाद देख सकते हैं, ये है ग्रीन सिटी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की तरफ और आपको खूबसूरत तरीन नज़ारे दिखाते हैं इस्लामाबाद के, हमारे साथ रहिएगा। चले
नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की मशहूर जगह ज़ीरो पॉइंट पर खड़ा हूँ। ये जगह ज़ीरो पॉइंट के नाम से मशहूर है। आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि बहुत ही खूबसूरती है। अगर कोई भाई या कोई बहनें विज़िट का शौक़ रखते हैं या घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं तो वो इस जगह पर लाजमी आएँ, इस जगह का विज़िट लाजमी करें। यहाँ पर तस्वीरें बनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छे व्यूज़ यहाँ पर मिलते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किसी ने बहुत ही खूबसूरती से मॉडल तैयार किया है, ब्यूटीफुल द इस्लामाबाद। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्त भी आए हुए हैं, भाई भी आए हुए हैं, छोटा बच्चा भी लेके आए हुए हैं, वो उनकी तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए। आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, उसकी एक भाई तस्वीर बनाने लगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसकी वीडियो वगैरह शूट करने लगा है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीन जगह है, यहाँ पर आप लोग ज़रूर आएँ, आप लोगों को बहुत ही इंजॉय करने का मौका मिलेगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं, आपको बताता चलूँ कि ये है वो मॉडल जिसका मैं आपको बता रहा था। पाकिस्तान का मॉडल है, बना हुआ है, पाकिस्तान का ये मॉडल बना हुआ है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से किसी ने इसको तैयार किया है। आप देख सकते हैं, इसकी साइडों पर फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं कि इसके व्यूज़ क्या हैं, यहाँ पर क्या चीज़ें हमें और नज़र आती हैं। यह ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद की मशहूर जगह, आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, खूबसूरती खूबसूरती हर तरफ, देखें ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ये है ग्रीन, इस्लामाबाद। अगर कोई भाई या कोई बहन घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं
अगर वो चाहते हैं कि हमारी तस्वीरें हमारी वीडियो अच्छी आए तो वो इस जगह पे लाजमी आए, इस जगह का लाजमी विज़िट करें। तो यहाँ पर हमने कुछ तस्वीरें भी बनाई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत मज़े की चीज़ बताता हूँ। तो हमारा व्लॉग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और जो हमारे होस्ट हैं वो नींद की खराटे मार रहे हैं। अभी उनसे जाके पूछ लिया व्लॉग उन्होंने एंड भी करना है या ऐसे ही रहना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बड़ी सुकून की नींद सोया पड़ा है। उम्मीद भाई, हेलो, ये व्लॉग कंप्लीट भी करना है या ऐसे ही रहना है? हमारे नाज़रीन को क्या बताना है? अमित भाई यार, ये कंप्लीट तो कर दो। क्या ये व्लॉग कंप्लीट नहीं करना? सोने दे यार, नींद आई है यार।